ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के बाद पॉलिटिकल साइंस में जो मैप की झंझट होती है ना वो पूरी खत्म होने वाली है इस एक वीडियो में हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसके बाद क्लास ट्वेल्थ के जितने भी मैप वाले क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपसे बन रहे होंगे अगर आपने अभी तक अपडेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने सी ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं क्या क्या अपडेट्स दिए हैं उनकी बात करिए तो पहले आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा मैप से रिलेटेड अपडेट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुक नंबर टू के जो मैप्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया इंडिया के स्टेट्स वाले मैप हैं वो आपको इस साल बोर्ड में देखने को मिलेंगे अगर आपके पास जब आप ये वीडियो देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम को टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन है जो वर्ल्ड मैप है उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा टू बी ऑन द सेफ साइड लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप इंडिया के जितने भी मैप है वो कर रहे होंगे यानी कि हमारे वही कर रहे होंगे अब इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैप वर्क को करते कैसे सही तरीका फिर एक ट्रिक के बारे में मैं बात करूंगा और फिर हम देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे बढ़ते हैं मैप करने का सही तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में एक पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा इंडिया का ए बी सी डी चार लोकेशन इस तरीके से मार्क होंगी यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चे करते हैं फर्स्ट वाले सेकेंड वाले का बी होगा थर्ड वाले, का होगा, वाले का C, ऐसे नहीं होता है, होता है।, आपको, वाले का पढ़ना है इसका अगर आपको पता है उसका आंसर उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे आपको स्पॉट करना है उत्तर प्रदेश कहाँ है जो कि है डी से मार्क तो आपको उसका आंसर लिखना है डी तो फर्स्ट वाले का आंसर ए बी सी डी में से कोई सा भी एक हो सकता है फर्स्ट वाले का आंसर ए सेकेंड वाले का बी थर्ड वाले का सी ऐसे हो जरूरी नहीं है अब आपको मैं बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है सबसे पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर लाइन से लिखेंगे फिर उसका जो भी आंसर होगा ए बी सी डी में से कोई भी आंसर फर्स्ट का आंसर जैसे कि डी है सेकेंड का आंसर सी है थर्ड का ए फोर्थ का बी है इस तरीके से आप उसका सामने उसका आंसर लिखेंगे और उसके आगे जो भी स्टेट एसोसिएटेड है वो आप लिख रहे होंगे इसमें से कोई भी डिटेल अगर आप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में ट्रिक बहुत सिंपल सी है आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है और जितने भी स्टेट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है क्यों कर लेना है दो रीजन से मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में ए पी सी और डी इस तरीके से मार्क आ जाता है यहाँ पे स्टेट्स मेंशन है वहां पे स्टेट्स मेंशन नहीं होगी वहां पे आपके सामने होगा क्वेश्चन क्वेश्चन मान लेते हैं हमारा फूड क्राइसिस से रिलेटेड आया कि फूड क्राइसिस कहा हुए थे मान लेते हैं आपको इसका आंसर पता है आपको आंसर आंसर इसका इसका पता है कि इसका आंसर था बिहार लेकिन अब आपको मैप में नहीं पता है कि ए बी सी डी में बिहार कौन सा है आप मान लेते हैं उत्तर प्रदेश को बिहार समझ के इसका आंसर बी मार्क कर देते हैं अब होगा क्या आपने सिर्फ एक आंसर गलत नहीं किया आपने इसको बी मार्क कर दिया तो ऑफकोर्स जो जिसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा उसमें आप बी मार्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि बी तो आपने कहीं और मार्क कर दिया तो मान लेते हैं उसका आपने आंसर मार्क कर दिया तो आपके दो आंसर गलत हो गए इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप में सारे सारे दे क्वेश्चन नंबर फोर अच्छे से बना था इसका आंसर था डी इसका आंसर था, था सी इसका आंसर था बी आपसे क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल भी नहीं रहा था लेकिन अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए और मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मार्क था तो आप स्टेट देख के बता सकते हैं कि भाई ए तो राजस्थान है तो राजस्थान आप इसका आंसर लिख देंगे भले ही क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आया था कि इसका आंसर क्या होने वाला है लेकिन आंसर देख के आपको समझ में आ गया कि भाई सिर्फ ए बचा हुआ था और ए राजस्थान में मार्क है तो इसका आंसर ए होगा इसलिए आप इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है सारे के सारे बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं आई होप आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है और आपको ये भी समझ में आ गया है कि कैसे आपको मैप आंसर करना है अपनी आंसर शीट में अब हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे देख लेते हैं लेकिन लेकिन क्वेश्चन देखने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं करें तो प्लीज़ क्वेश्चन बैंक्स परचेज कर लीजिए क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी एनसीआर टी करिए उसके बाद क्वेश्चन करिए और अच्छे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो सवाल गुरुकुल जो भी रिकमेंड करता हूँ आपको जो भी मैं बुक आपको सजेस्ट करता हूँ उनको मैं रिव्यू कर चुका होता हूँ क्वालिटी में चेक कर चुका हूँ इसके क्वेश्चन क्वालिटी बहुत शानदार है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिले मत करिए टाइम बहुत जल्दी खिसक जाता है आज ही जितने के जितने आपके सब्जेक्ट हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेस कर लीजिए अब हम हमारे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका पी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको जब चाहें तब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड और इंडिया दोनों के जो मैप्स हैं उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैप में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के क्वेश्चंस आने वाले हैं लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एम में एस वन मार्कर्स भी आ सकते हैं तो ये आपका मैप भी प्रिपेयर करेगा और यही आपका आंसर्स आपका एमसी भी प्रिपेयर करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने और ये आप सारे पढ़ लेंगे आपसे सारे के सारे मैप भी बन रहे होंगे मैप के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया वाले वो आपको देखने हैं जैसे हमें सी ने बताया है एंड में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिल रही है इनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ये बहुत आपको काम आएंगे आंसर्स में भी मैप में भी वैसे तो नाइनटी चांसेस की पीडीएफ में कोई भी एगर नहीं होगा एक परसेंट कभी कभी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको पढ़ते समय कोई एरर दिखे तो कमेंट में लिख दीजिएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा और अगर आपको एरर नहीं भी दिखता है तो भी एक हफ्ते बाद कुछ टाइम बाद आप आइएगा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अगर कोई एरर रहता है तो वहां पर उसको मैंशन हम कर देंगे और उसको हम करेक्ट करके नया पी अपलोड कर देंगे बाकी 99% नाइन परसेंट श्योर है कोई भी आया उसमें नहीं होगा डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा एंड स्क्रीन में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उसको जरूर देख लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा बाय बाय साइनिंग ऑफ देवटेन टूरिया